गुरुवार को सिंगरौली पुलिस हाथों में डंडे और आंसू गैस के गोलों के साथ हुई दंगाई और बलवाइयों से निपटती हुई देखी गई। इस मुस्तैदी के साथ पुलिसकर्मियों ने दंगाइयों को मौके से खदेड़ा। ये कोई असली दंगा या बलवा नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस के मॉक ड्रिल कराई गई थी। एसपी की मौजूदगी में हुई दंगा और बलवा ड्रिल में पुलिसकर्मियों ने जमकर पसीना बहाया। इस बीच पुलिस दंगाइयों पर पानी की बौछारें और उन्हें तितर बितर करने की रिहर्सल करती देखी गई। शुक्रवार को इसका अभ्यास पुलिस लाइन पचेर में कराया गया, जिसमें सभी थाना प्रभारियों पुलिसकर्मियों जी जान के साथ रिहर्सल की गई। एसपी अभिजीत रंजन ने कहा कि बलवाई किसी को नहीं छोड़ते, इसलिए हर तरह से मजबूत होकर घटनास्थल पर पहुंचना चाहिए। दंगाई अक्सर छोटे से मामले को तूल देने के लिए धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाते हैं, जिससे जिले का माहौल बिगड़ जाता है। इन सबसे निपटने और हालातों को काबू करने के तरीके ड्रिल के दौरान सिखाए गए, जिसमें पुलिसकर्मियों को बताया गया कि दंगे जैसे हालात होने पर आपके पास अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। एसपी ने कहा कि सबसे पहले सभी के पास डंडा, हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्ट जरूर होना चाहिए। दंगा बाहुल क्षेत्र में जाने से पहले सभी को थानों या चौकियों से तैयार होकर घटनास्थल पर पहुंचना चाहिए। अगर भीड़ बेकाबू हो रही है तो उसे तितर बितर करना है तो बल का प्रयोग कम करना चाहिए।